और गाइस आप कमेंट करके बताओ कि ये बॉलें कितनी की स्पीड से जा रही हैं, आपको जितना लग रहा बताओ, लेकिन ये 150 प्लस बॉलें हैं। और मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आप 130 प्लस बॉलर 40 के आसपास बॉलर को इजी खेलें, इजी टैकल करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हरी वाली बॉल नहीं, रेड वाली बॉल लेनी है, भारी वाली जो आती है सिक्सर, और उसको आपको बाल्टी में भिंगो देना है, भिंगो के फिर एक निकालना है, निकाल के इसका हल्का सा निचोड़ना है, फिर साइड आर्म में लगा के सीमेंट कॉन्क्रीट विकेट पे ही करना है, टर्फ में मत करना। उसके लिए बैट एक अलग रख लेना, जो नॉर्मल हो, जो आपका मैच बैट ना हो, महंगा बैट ना हो, तो नॉर्मल ही हो, ख़राब भी हो सकता है, पानी थोड़ा थोड़ा लगेगा, तो इससे आपको ड्रिल करना है, उसको साइड आर्मर को बोलना फेंके हिट करे। या आप खेलोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपको सामने अगर बॉलर तेज हो तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो, आराम से खेलोगे, उसको रिलैक्स होकर खेलोगे, क्योंकि आपके पास से पहले आपने प्रैक्टिस कर रखी है 150 के आसपास, वॉच करो, बल्कि आपको आपके बैट पर ना लगे लेकिन आपको दिख रहा है, आप वॉच कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो, तो वो जो आपके अंदर जो डर होता है ना, फेयरलेस हो जाते हो आप, तो आपका जो हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन स्टेज जो होती है स्पीड की, वो ख़त्म हो जाती है, तो आप इजीली खेल सकते हो, और इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो आप अगर ये बोलते हैं ना कि हाँ मेरा आपने 150 खेल लिया, तो 140 भी आपको फेस करते समय आपके अंदर घबराहट नहीं होगी। बोलते हैं जैसे कि अगर आप चांद पे जाना चाहते हो तो सितारे की ख्वाहिश रखो, सितारे नहीं मिलेंगे तो चांद तो मिल ही जाएगा ना, तो वही मेहनत आप करोगे उससे पहले जब आप 150 खेलो, तो एक तो 40 तो आपके लिए इसी हो जाएगी, तो इसी तरीके से आपको ड्रिल करना है, भिंगो के रखना है बाल्टी में, और बॉलें ले लेनी है 12-13, उसके बाद साइड आर्मर को, इससे छोटा होता है तो डालना मुश्किल है, तो उसको बोलना कि तेज तेज हिट करे। अगर आप इस तरीके से खेलोगे जैसे मैं डाल के दिखा रहा था आपको, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा बैटिंग। सो ये ड्रिल्स हम करते हैं, तो मैंने आपको बताया इस स्पीड्स पे अगर आप खेलोगे तो आपके लिए रन करना काफ़ी यूज़ आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी बैटिंग में जो इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी रिफ्लेक्सेस अच्छी हो जाएगी, हेड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आपकी जजमेंट टाइम मिल जाएगा, आपको जज करने का आइडिया पता चल जाएगा, और ये जो बाउंस है, थोड़ा इवन बाउंस है, उसको भी आप अच्छे से ईजिली से आप फेस कर सकते हो, और आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे इसको इस फेस पे किस तरीके से खेलना है और क्या शॉट सिलेक्शन करना है। तो जब आप इतनी स्पीड से खेलोगे तो आपके लिए बैटिंग करना ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करो और मुझे ज़रूर टेक करना, इंस्टा पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो कमेंट ज़रूर करना और बताना अगर कुछ चीज़ रह गया जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐड हो सकती है, ये चीज़ हो सकता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ यार, कुछ और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल रहा हूँ बोलने के लिए, या फिर आपको ज़्यादा कुछ पता है एक्स्ट्रा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप भी साइड आर्मर हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से डालनी है। तो आई होप जो मैंने कुछ बताया आपको पसंद आया हो, और आप जहाँ भी देख रहे हो इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पे, तो इस वीडियो को शेयर करना कम से कम एक क्रिकेट ग्रुप व्हाट्सअप जो है उसमें एक कम से कम शेयर कर देना, एक ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ आपसे, एक में ज़रूर शेयर करना, इतना ज़रूर कर देना आप, मेरे इतना कर दो। और हम जो है MKCC जो क्रिकेट अकेडमी है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो उनके लिए जो चीज़ें होती हैं वो हम यूट्यूब से ही जा रहे हैं, जो भी अन हो तो उनके लिए सारे सामान खरीदे जाएंगे, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो प्रोवाइड नहीं कर सकते इक्विपमेंट्स, क्रिकेट बैट वैट कुछ भी, सो आप प्लीज़ उनके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। और भी सारी वीडियो हैं जाके हम देख सकते हैं, MKCC पे जाके देख सकते हो किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। और जितना हो सके आप एक ग्रुप में कम से कम क्रिकेटर्स जो भी हैं, क्रिकेट लवर हैं, तो इतना कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार, आप भी एक टाइम आपका भी होगा कि हाँ आप खेलना चाह रहे हो, आपके पास पैसा नहीं था, या फिर कुछ और चीज़ें होंगी, पर जो क्रिकेट से प्यार करते हैं वो लोग चीज़ें समझ सकते हैं, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ, इसलिए मेरे को भी प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ें इस चक्कर में, मैंने भी अपनी क्लास छोड़ता हूँ जहाँ पे मेरे को पैसे मिलते हैं, तो 3-4 घंटे जो भी क्लासेस होती हैं उनको मैं बिना पैसे लिए वो सारी चीज़ें कराता हूँ, वो ऑफ छोड़ के फिर मैं इनको बच्चों को कराता हूँ। तो आप प्लीज़ इतना हेल्प कर सके करें मेरी नहीं बच्चों के लिए, तो आप ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सारी मेरी वीडियो जाके देखें,
जो मैंने डाल रखा है, दो चैनल है, एक MKCCH है जो अकेडमी की है, और एक मेरा पर्सनल चैनल है जो मेरा आज का